फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाजवाब रेसिपी और ब्यूटी टिप्स में। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इजी से ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि मुहासों को भी ख़त्म करता है और आपके कहीं पे भी ब्लैक हेड्स हो, गले की गंदगी हो या कहीं पे भी आपको लगाना हो, यूँ चुटकियों में आपका कालापन दूर हो सकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है जो वो है हल्दी, हल्दी पाउडर। हल्दी जो है आपकी सभी गंदगियों को निकालता है और आपके चेहरे को निखारता है। तो उसके लिए हमें चाहिए हल्दी, सबसे पहले हल्दी। उसके बाद दूसरा है कच्चा दूध, रॉ मिल्क। दोस्तों, रॉ मिल्क हमारे फेस को वाइटनिंग करता है, हमारे फेस को स्मूथ करता है, हमारी स्किन को बहुत ही सुंदर बनाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए कच्चा दूध। और तीसरा है हनी। हनी से दोस्तों हमारे चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार आता है, तो उसके लिए हमें हनी की ज़रूरत होगी। और चौथा है पानी। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे और ये चुटकियों में सुंदर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने तवा चढ़ा दिया है गैस पे और तवे को गर्म होने दे थोड़ा सा। उसके बाद आप लोग इस हल्दी को, ये जो हल्दी है, इसे हम लोग तवे पे भूनेंगे, इसका जो पीलापन है उसको हटाएंगे। और इस हल्दी को दोस्तों तब तक भूनना है जब तक कि ये काला ना हो जाए। इससे ये होगा दोस्तों कि इसका पीलापन हट जाएगा, हम लोग यूज़ करेंगे तो वो हमारे कपड़ों पे इसका पीलापन या नहीं रहेगा। और दोस्तों, ये सबसे अच्छा फेस पैक है हल्दी। हल्दी से दोस्तों इतनी निखार आएगी आपके चेहरों पे, आप लोग हफ्ते में सिर्फ दो बार इसको यूज़ करिए और फिर इसका फ़ायदा देखिएगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हल्दी का रंग जो है बदल गया है और ये ब्लैक हो गया है पूरा। अब हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे। ये कैसा हो गया है, ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, आप लोग प्लीज़ इसको यूज़ करके देखिएगा। चलिए अब मैं इसको कैसे यूज़ करना है वो बताती हूँ। तो दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले है तो आप अपने हेयर टाइट कर लें, उसके बाद आप कोई भी पुराना कपड़ा पहन लें। अगर आपको नेक पे भी लगाना है तो आप पुराना कपड़ा कोई पहन लें, जिससे कि आपका सूट ना गंदा हो। ठीक है, तो उससे पहले आप कच्चे दूध से अपने चेहरे की सफाई कर लें। कच्चा दूध दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, आप रोज़ कच्चे दूध से अपने चेहरे को साफ़ करें, देखिए आपका चेहरे पर जितने भी कालापन होगा सब दूर हो जाएगा। आँखों के नीचे जो कालापन हो जाता है वो सब गायब हो जाएगा। गले पे बहुत से लोग के गले पे बहुत बैल जम जाती है या काला हो जाता है, रोज़ आप कच्चे दूध को इस्तेमाल करिए, देखिए इससे तुरंत फ़ायदा मिलेगा। कच्चा दूध एक बहुत ही अच्छा क्लींजर है, घरेलू क्लींजर सबसे अच्छा कच्चा दूध है। मैं तो कहूँगी बाहर का कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करना चाहिए, घर में ही सब अवेलेबल होता है आपके। ऐसे ऐसे साफ करके इसको चाहे तो आप दूध से जो आपका कच्चा दूध बचा है उससे आप फेशियल भी कर सकते हैं, उससे थोड़ी देर मसाज करें और उसके बाद ये पैक जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आप यूज़ करें। अगर जैसे दोस्तों आपके पास दूध नहीं है और शहद भी नहीं है तो फिर आप पानी का यूज़ कर सकते हैं इस पैक को बनाने के लिए। जैसे आपके पास दूध भी नहीं है और शहद भी नहीं है तो आप इस पैक को, हल्दी वाले पैक को बनाने के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर। तो दोस्तों, जैसे ये हल्दी मैंने आपको बताया था भूना है, अब इसको हम लोग इसमें हम लोग शहद मिलाएंगे।
अच्छे से इसको मिला लें। इसको एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है, जैसे फेस पैक बाजार में मिलते हैं वैसे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा फेस पैक बन जाएगा, ये देखिए। अभी आप इसको एक ही दिन में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, देखिएगा लगा के। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पर आप लोग, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये नुस्खा। चलिए अब मैं इसको चेहरे पे अप्लाई करके आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी मैंने चेहरे पे कच्चा दूध लगाया था, देखिए वो सूख चुका है, ये देखिए। अब मैं इस पर ये पैक जो बना हल्दी वाला पैक है वो लगा के बताती हूँ आपको। सो आप लोग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे हाथ का यूज़ करना ही अच्छा रहता है, हाथों से अच्छे से लग जाता है। हल्दी हमारे चेहरे पे निखार लाएगा और शहद जो है हमारे चेहरे को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। तो आप कुछ शहद अगर थोड़ा कम लगे तो आप लोग और मिला सकते हैं, वैसे इतना परफेक्ट है एक चम्मच हल्दी के लिए। बच जाए दोस्तों तो आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पे, जहाँ पे भी आपके कालापन है वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें। मुहासे है, ब्लैकनेस है, या कहीं पे स्किन काली हो गई है, कहीं पे वाइट है, तो आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर आपको ये फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। अच्छा दोस्तों इसको 10 मिनट तक आप सूखने दें, उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सूख गया है, 10 मिनट हो गए इसमें दोस्तों, से ऐड पड़ा है तो इसलिए पूरी तरीके से सूखेगा नहीं, लेकिन फ़ायदा पूरा करेगा आप लोग देखिएगा। चलिए अब मैं इसको या तो आप वॉश कर लीजिए या तो इसको आप लोग गीले कपड़े से पोंछ लीजिए, मैं आपको गीले कपड़े से पोंछ कर दिखाती हूँ। इसमें से दोस्तों कॉफ़ी की महक आ रही है, एकदम कॉफ़ी जैसी महक आ रही है हल्दी में से। आप लोग इसको प्लीज़ घर पे ट्राई करके देखिए और मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, इसको यूज़ करके बताइएगा।
देखिए दोस्तों कैसे चमक आ गई है चेहरे पे, कुछ भी नहीं किया इस पे, सिर्फ सुखा दिया देखिए। और चेहरे पे कैसे निखार आ गई है देखिए, जितनी भी गंदगी चेहरे की थी सब चली गई है। मैं अपनी बिंदी लगा लेती हूँ, देखिए कैसे चेहरा निखर गया। और गर्मियों के मौसम में लगाइए, चाहे सर्दियों में लगाइए, चाहे बारिश के मौसम में लगाइए, सब चीज़ों में ये अच्छा है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।